अल्लाह रहमान रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो हमने काटन के मामले में काफ़ी सारी आपको वीडियो दी हुई हैं और काटन के मामले पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं जाकर आपको उसको मुतारफ़ करा दूं। आजकल जो काटन की वैरायटियां चल रही हैं, सबसे ज़्यादा मसला होता है जड़ी बूटी का। जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे पास जड़ी बूटी कंट्रोल नहीं होती, तो उसके लिए जो होती है ना आजकल चल रही है जिसको हम बोलते हैं सी के साहब नाम से। सी के सी में काफ़ी सारी होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7 तक चलेगी। उससे आप जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर नंबर जा रहा है उसकी कुव्वत मुदाफियत उसमें हर चीज़ की बढ़ती जा रही है। तो उसके अलावा इसमें वैरायटी है सी के सी में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी होती है, कोई सिंगल स्टेक है, कोई झाड़ी नमा है, कोई किस किस्म की है। असल जो सी के सी का तारफ है वो यही है कि ग्लाफोसेट फ्री हो, पिंक फ्री हो और स्किंक के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत हो, तो वो सबसे अच्छा है। जैसे जैसे हम ये ऊपर ऊपर इसका नंबर जा रहे हैं तो आखिरी मसला चल रहा था स्किंक का, वो इंशाल्लाह स्किंक जो है वो कुछ वैरायटियां वो कोई 100% हैं जिन पर स्किंक नहीं आती और कुछ हैं जिन पर स्किंक थोड़ी आती है। तो आप ये पौधा देख रहे हैं इस वक्त, इसको असल करीब से आकर थोड़ा दिखा देना, ये झाड़ी नुमा और नीचे से लेकर इसका पहला फल आप देखें कहाँ से इसने नोड से नोड का फासला, जो पहला फल इसका ये देख लें। उसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसके साथ वाला ही पौधा दिखा देना, ये थोड़ी सी ये खड़े हुए पौधे अभी तक यहाँ से लेकर और आखिर तक आप इसको थोड़ा सा देख लें। इसमें जो लोग कहते हैं कि पिकिंग सा और पिंक का कोई मामला है, अभी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आया, ये सामने है। अगर पिकिंग होती तो इस तरीके से इसकी खिलाई भी कभी ना होती थी, जिस तरीके से यहाँ से लेकर आख तक ये मसला हुआ हल। ये कहाँ से हुआ? ये हुआ है जरनाब सीड का। जरनाब सीड कॉरपोरेशन पर आप को हर किस्म की काटन की वो नई नई वैरायटियाँ अगले साल इंशाल्लाह इससे भी कोई नई लेने आ रही हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी जरनाब सीड से।